काफी तेज तूफान आया था गुड़गांव में। हेलो चेरिश फैमिली, आज हम जा रहे हैं चेरिश की ग्रूमिंग के लिए, जो कि नियर बाय ही है हमारे सोसाइटी के। बाय द वे चेरिश, भागना नहीं चेरिश, भागना नहीं चेरिश। सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें दिखा कुछ तबाही का मंजर। वेल, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, 1 अप्रैल को काफी तेज तूफान आया था गुड़गांव में, उसी वजह से काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। मैंने एक शॉट भी अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं कितना तेज तूफान आया था। सो फाइनली 5 मिनट राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कंसेंट मॉल। वेल, जैसे हम वहां पहुंचे हमने देखा कि चेरिश थोड़ा सहम गई है, उसे लग रहा था कि हम वेट के पास आए हैं, सो वो अंदर आने को तैयार ही नहीं थी। काफी खींचा तानी करने के बाद, जोर जबरदस्ती करने के बाद फाइनली मुझे उसे उठा के ही ले जाना पड़ा। सो फाइनली अब होने वाली है चेरिश की धुलाई। चेरिश को यहाँ थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे टाइम लगता है नए लोगों के बीच में थोड़ा फ्रेंडली होने में। सो फाइनली कानों की सफाई से शुरुआत होती है चेरिश की यहाँ पर। By the way, मैं आपको शॉप का नाम बताना भूल गया। इस शॉप का नाम है Chain and Chat, which is in sector 109 Gurgaon. They also have pet supplies, so you can check it out. स्वाद। सो ऑलमोस्ट आधे घंटे वेट करने के बाद कंप्लीट प्रोसेस हो चुका था, विच इंक्लूड्स उसके ईयर क्लीनिंग, उसको नलाना, नेल फाइलिंग, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग, वो भी सिर्फ 600 रुपए में। अब मानो या ना मानो, हम तो चले गए थे चौरंगी लेन, क्योंकि लग गई थी भूख। ऑर्डर करा के पैक हम आ गए अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में ही हमने एंजॉय किया अपने रोल्स। तो चलिए यही खत्म करते हैं अपना ये व्लॉग, और मिलेंगे किसी नए व्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।